Hello friends, welcome to channel guys, and in this video we will cover last 10 year PYQ that is related to day and dates. Okay, यहाँ से लगभग 2 से लेके 3 question बन जाते हैं out of 100 question of social work. Okay, and paper 1 में तो अलग से आते ही आते हैं, तो you can say काफ़ी question बन जाते हैं यहाँ से from this particular topic. So we will cover all the important question from the last 10 year PYQs. Okay, and this is the last question, last 10 years law related question में हम लोग डिस्कस किए थे ना, इसका आंसर मैंने आई थिंक डी मार्क कर दिया था, इसका सी होगा, 1993 इज द राइट आंसर. ओके, नाउ बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी एंड दीज आर द टेलीग्राम चैनल, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार. फॉर द सोशल वर्क ज्वाइन दिस एंड फॉर द ह्यूमन स्टडी ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. दिस इज द एप्लीकेशन, इसको आप सर्च कर सकते हैं ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड यू विल गेट एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. यहाँ से आपको फ्री कॉन्टेंट मिल जाएगा एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट. फुल मॉक टेस्ट मैंने एक शेयर किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में. ओके, इसमें आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए. मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को पेयर करना है. यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, डे एंड यू हैव टू पेयर विद दिस डेट, लाइक वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस. सो दीज आर द डेट्स, इसको आपको यहाँ से पेयर कर देना है एंड विच कोड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो वर्ल्ड लेप्रोसी डे एरिडिकेशन डे ऑन द 31st January. ओके, ये 31st January हो सकता है या 30 January हो सकता है. बेसिकली ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, सो इट कुड वेरी. सो 31 या 30. सो फर्स्ट विल पेयर फॉर द 4 एंड वर्ल्ड हेल्थ डे व्हिच इज ऑब्जर्व ऑन April 7 एंड द इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी सी विल पेयर विद द 3rd December एंड इंटरनेशनल डे लिटरेसी डे विच इज ऑब्जर्व ऑन द 8th September. सो सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को पेयर करना है. वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जिसको बोलते हैं विश्व विकलांगता दिवस, वर्ल्ड बुक डे विश्व पुस्तक दिवस, एंटी टोबैको डे तंबाकू विरोधी दिवस ऑन वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है. दीज आर द डेट्स, सो विच कोड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे विच इज ऑब्जर्व ऑन द 15 March. ओके, देखिए यहाँ पर एक और भी डिस्कस किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. ओके, ये आपका 3rd December को ऑब्जर्व किया जाता है एंड वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 15 March को याद करना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर देना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ये सभी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो इनके अलग अलग डेट है. ओके, दिस इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड दिस इज द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ए डिसेबल डे 15 March. वर्ल्ड बुक डे दैट इज ऑन द 23rd April एंड टोबैको डे दैट इज ऑन द 31 May, ये तो आपको याद होगा, एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर ऑन 12 June. सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ईयर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आपको इनको सही सिक्वेंस में लगाना है जब यूएन के द्वारा इनको ऑब्जर्व किया जाता है, इन विच पर्टिकुलर ईयर.
सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमन अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरुष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एल्डरली पर्सन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली परिवार के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है या ऑब्जर्व किया गया बाय द यूएन किस ईयर में? सो विच कोड विल बी राइट? इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड विच इज ऑब्जर्व 1979, इंटरनेशनल वीमेंस ईयर 1975, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एल्डरली पर्सन 1999 एंड फैमिली ईयर 1994. सो यू कैन जस्ट रीअरेंज दीज लाइक सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थ्री. सो सी विल बी राइट आंसर. लुइस बैरल डे इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन. लुइस बैरल डे दिवस कब मनाया जाता है? 4th जनवरी, 6th जनवरी, 7th जनवरी या फिर 8th जनवरी? विच विल बी राइट आंसर बताइए. ऑफकोर्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, फोर्थ विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, पुट द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर. वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड एड्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे. सो विच विल बी राइट कोड फॉर दिस क्वेश्चन? वर्ल्ड फूड डे 16th of October, वर्ल्ड एड्स डे 1st of December, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली 1st of October, एंड वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 15th March. फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड. सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स. वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए. यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, हिंदी में पढ़ सकते हैं. सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स आपका 2012 ऑब्जर्व किया गया, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट विच इन 2011, इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ 1985, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स विच इज 1968. सो द राइट सिक्वेंस विल बी 4, 3, 2, 1. सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बालिका दिवस इज बीइंग इन इंडिया इज बीइंग ऑब्जर्व. बोल सकते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन October 9th, November 9th, January 24th एंड September 9th. सो विच विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7? एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन January 24th, ओके, एंड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन 11th of October, ये भी लिख लेना. सो आपका यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी. क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको पेयर करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ. इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड फूड डे एंड ह्यूमन राइट्स डे. सो विच कोड विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली, व्हाट विल बी द राइट आंसर? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1st of October. एंड द वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1st of December. एंड वर्ल्ड फूड डे 16th of October, एंड ह्यूमन राइट्स डे 10th of December. सो राइट सीक्वेंस विल बी 1, 3, 2, 4. सो ए विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, इसको आपको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू दे डेट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन अ ईयर. जिस प्रकार से उनको तारीखों के अनुसार लगाना है सही क्रम में. वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड इनबाउंड डे, वर्ल्ड ब्लड डे, डोनर डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर्स. यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, हिंदी पढ़ सकते हैं.
सो विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए वर्ल्ड कैंसर डे ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी, ओके, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, एंड वर्ल्ड या इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली 1 अक्टूबर। सो नाउ यू कैन जस्ट मेक सीक्वेंस लाइक वन, ये पहले आएगा कैंसर डे, फिर इन्वायरमेंट डे, फिर वो, सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर एंड द 9 दिसंबर। यहाँ पर दिया गया है नेशनल बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, गुलामी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सो यू कैन ईजिली प्रेयर विच ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड दिसंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ओके, एंड 3 दिसंबर विल पेयर विद द इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, 5 दिसंबर विल बी पेयर विद द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड डी विल पेयर विद द फर्स्ट। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, 13 सेप्टेम्बर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर एंड 13 डिसंबर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द इवेंट डेट ऑफ ऑब्जर्वेंस यहाँ पर दिए गए हैं चारों, ओके, एंड द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द कैलेंडर ईयर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पर, एंटी लेप्रोसी डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे एंड वर्ल्ड अर्थ डे, सो विच पेयर इज द राइट मैच। देखिए एंटी लेप्रोसी डे 24 फरवरी को नहीं होता है, ये होता है आपका 30 जनवरी को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे सही है, वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 मार्च को नहीं है, 7 अप्रैल को है, बाकी ये भी गलत हो जाएगा, दोनों सही है, तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 एंड 4, ओके, कौन सा करेक्टली मैच है ये पूछा गया था, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ कैलेंडर ईयर, आपको सही क्रम में लगाना है महत्वपूर्ण दिवसों को, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड डिसेबल डे। देखिए वर्ल्ड डिसेबल डे आपका 15 मार्च को होता है, एंड इसके अलावा वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, वर्ल्ड किडनी डे दैट इज ऑन द 10th मार्च, एंड वर्ल्ड कैंसर डे विच इज ऑन 4th फेब। सो पहले आएगा कैंसर डे, फिर आएगा आपका किडनी डे, फिर इसका डिसेबल डे एंड लास्ट में टीबी डे, राइट? सो दिस इज द राइट सीक्वेंस, सो कैंसर, किडनी, ओके, सो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट वन लिस्ट टू को पेयर करना है, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इंटरनेशनल डे लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपको सही क्रम बताना है कौन सा होगा इन सभी गिवन कोड्स में से। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मैंने बताया था, दैट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी, सो 30 या 31 हो सकता है, सो फर्स्ट विल पेयर विद द 4th, सो देयर इज द ओनली वन ऑप्शन, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप पेयर कर सकते हैं सभी
क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट वन लिस्ट सेकंड दिया गया है, आपको पेयर करना है। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 15 मार्च, वर्ल्ड बुक डे, एंटी टोबैको डे एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। सो विच कोड इज करेक्ट, प्लीज बताइए इसका क्या आंसर होगा। सो नाउ फर्स्ट विल पेयर विद द फर्स्ट, सो देयर इज द वन ऑप्शन, आप इजीली एडमिट कर सकते हैं सभी ऑप्शन को, ओके। एंड इसके अलावा वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल, वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई एंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर ऑन द 12 जून। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नो टोबैको डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट, ओके, 31 जनवरी, 31 मई, 31 जुलाई एंड 31 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 17, सो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दीज आर द इवेंट्स एंड दीज आर द डेट्स लाइक अल्जाइमर डे, टीबी डे, हेल्थ डे एंड द वैक्सीनेशन डे। कौन सा इसमें से करेक्ट सीक्वेंस होगा इन द गिवन बिलो कोट्स। अल्जाइमर डे विच इज ऑब्जर्व ऑन डे September 21, ओके। टीबी डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 24 मार्च एंड वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 अप्रैल। एंड नेशनल वैक्सीनेशन डे विच इज ऑन द 16 मार्च। सो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावास दिवस एंड इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, इंटरनेशनल यूथ डे विल बी राइट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग डेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सही क्रम में लगाना है, यूथ डे, वीमेंस डे, टीचर्स डे और एड्स डे। सो कौन सा इसमें से सीक्वेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कोई दिया नहीं गया है कि नेशनल है कि इंटरनेशनल है, ओके। अगर नेशनल दिया होता है तो यहाँ लिखा होता है, क्योंकि जो नेशनल डे होता है और जो इंटरनेशनल डे होता है यूथ डे के लिए अलग अलग होता है। नेशनल होता है 12 अगस्त जनवरी को एंड इंटरनेशनल डे होता है 12 अगस्त को, ओके। तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है तो हमको देखना होगा कि कौन सा, लाइक जैसे एड्स डे होता है तो ये नेशनल नहीं होता, ये इंटरनेशनल ही होता है, राइट। सो हम सभी को ये एज ए इंटरनेशनल डे मान के चलेंगे, बिकॉज इन द क्वेश्चन वी कांट अज्यूम के कुछ नेशनल एंड कुछ इंटरनेशनल, ऐसा नहीं होता है, ओके। यू हैव टू कंसिडर ऑल द नेशनल और यू हैव टू कंसिडर ऑल द इंटरनेशनल। तो नेशनल यहाँ पर बन नहीं पाएंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल होता है ना, तो इसलिए इसको सभी को आपको इंटरनेशनल मानना पड़ेगा। जैसे कि यूथ डे है आपका 12 अगस्त, ओके, वीमेंस डे 8 मार्च, टीचर्स डे 5 अक्टूबर एंड एड्स डे 1st of December। तो ये सभी के सभी आपके इंटरनेशनल बन रहे हैं। बाकी आपका यूथ डे 12 जनवरी को होता है, वीमेंस डे नेशनल जो होता है एंड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, ओके। सो दीज आर द नेशनल, दीज आर द इंटरनेशनल। सो विच कोड विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 20, पहले आएगा आपका मार्च, सो वीमेंस डे आएगा फर्स्ट पे, ओके बी, सो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ओके। अगर ये सभी के सभी नेशनल बन रहे होते ना तो हम लोग नेशनल कंसीडर कर सकते हैं,
बट एड्स डे बेसिकली ये इंटरनेशनल होता है ना, हर जगह मनाया जाता है, तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द एज ए इंटरनेशनल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो दीज आर द 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं प्लीज़ मैंसन इन द कमेंट बॉक्स। सो दीज आर द ओल्ड 10 ईयर्स डे एंड डेट्स इंपॉर्टेंट गिव आई क्यू अब वी हैव डिस्कस एंड इन द नेक्स्ट क्लास लेट्स वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके गाइज सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।